बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पौनी से भंडारा की ओर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में यह दुर्घटना हुई। सौभाग्य से कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन कार में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक बड़ा हादसा टल गया। कारधा पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। पालांदुर पुलिस ने बिना लाइसेंस रेत परिवहन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। जब पालांदुर पुलिस गश्त कर रही थी, तभी ट्रैक्टर क्रमांक MH36L04150 रेत परिवहन करते पाया गया। पालांदुर पुलिस ने ट्रैक्टर व एक ब्रास रेत समेत 1,75,000 कीमत का माल जब्त किया। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की है। पालेपेंड्री निवासी दीपक रामदास शिवनकर, श्रीराम नगर तकियावाड भंडारा निवासी भाऊराव वासुदेव ढूम ने इन पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत में काम कर रही एक महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। मृतक महिला का नाम निष्ठी निवासी ध्रुपता वासुदेव मेश्राम, उम्र 60 वर्ष है। ध्रुपता अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसे इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल पौनी ले जाया गया। वहां चिकित्सा पदाधिकारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। वृद्ध व्यक्ति ने जंगल में देवदार के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना उसगांव चांदोरी में हुई। मृतक का नाम रमेश शिवराम राउत, उम्र 63 वर्ष है। माना जा रहा है कि बीमारी से ग्रसित होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना में लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक 80 वर्षीय व्यक्ति घर के चारपाई पर मृतक पाया गया। घटना पौनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोनारा की है। मृतक रामदास मेश्राम, उम्र 80 वर्ष है। 29 जुलाई को रामदास का शव चारपाई पर पड़ा दिखाई दिया। सरस्वता मेश्राम, उम्र 70 वर्ष की शिकायत पर पौनी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब और जुआ अड्डों पर पुलिस ने छापे मारे। इनमें 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा अवैध महुआ शराब और जुए में प्रयुक्त सामग्री समेत 10,195 रुपए का माल बरामद किया गया। यह कार्रवाई भंडारा, दिघोरी, कारदा, तुमसर, गोबरवाई और साकोली थाना क्षेत्र में की गई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।